Hi guys, I'm moodyfoody and welcome to my channel. Today we are going to make a very famous street food, Bhelpuri. After hearing that water coming in the mouth, I know everyone loves Bhelpuri. So let's see the ingredients. भेलपूरी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें हम ये पफ्ड राइस डालेंगे। ये पफ्ड राइस को हम मुरमुरा भी बोलते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया डालेंगे पहले। फिर हमारी ये सेव डालेंगे। फिर हम प्याज डालेंगे। फिर हम टमाटर डालेंगे। इसके बाद हम हरी मिर्च डालेंगे। मैं यहाँ पे आधी हरी मिर्च यूज कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइसी ज्यादा खाना पसंद है तो आप अपने हिसाब से एक मिर्ची या दो मिर्ची डाल सकते हैं। अब हम इसमें पीनट्स डालेंगे, मूंगफली भी कहते हैं इसको। अब हम इसमें ये हमने लहसुन की और लाल मिर्च की चटनी बनाई है, ये हम एक टेबलस्पून डाल देंगे। फिर हमने ये इमली की चटनी बनाई है, इसको भी हम एक टेबलस्पून डाल देंगे। फिर ये हमारे हरे धनिए की चटनी है, हरे धनिए की चटनी को भी हम एक बड़ा टेबलस्पून डाल देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच अमचूर डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रखिएगा कि हमने जो चटनी बनाई थी लहसुन वाली और हरे धने वाली, उसमें पहले से नमक डाला हुआ है। अब हम लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च बहुत ही थोड़ी सी, क्योंकि हमने लहसुन की चटनी में भी लाल मिर्च यूज करी है। अब हम इसमें हमारा जो बचा हुआ धनिया था वो डाल देंगे।
और फिर हमने ये आधा नींबू का रस निकाला हुआ है ये डाल लेंगे। और अब हम ये 2 चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारी भेलपूरी बनके तैयार हो चुकी है तो अब हम इसे अपने सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। नाउ आवर भेलपूरी इज रेडी एंड इट्स लुकिंग सो यम्मी। इफ यू लाइक माई रेसिपी सो प्लीज ट्राई दिस एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।